नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम्स। आने वाले 4 दिनों तक मौसम मेहरबान रहेगा, मौसम मेहरबान रहेगा बिहार के लोगों पे। काफी लंबे समय से बिहार के लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस बार मॉनसून में औसत के मुकाबले काफ़ी कम बारिश हुई है और खासकर किसान काफ़ी ज़्यादा मायूस थे मौसम की बेरुखी से। लेकिन अब किसानों के चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कान ज़रूर आई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले से ही लगातार बारिश हो रही है। और पटना की बात करें तो आज सुबह की बात कर लें या फिर कल रात की, खूब अच्छी वर्षा हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अभी आपको गर्मी से राहत मिलने वाली है और बारिश अभी और देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी कि 20 सितंबर तक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि बिहार के वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही हम वो भी जिले के नाम बताएंगे जहां पर हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है, और वो भी जिले का नाम बताएंगे जहां पर आप रहते हैं और वहां का आज का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग ने शनिवार को यानी कि आज उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बरसात होने के आसार जताए हैं। इसके अलावा उत्तर दक्षिण और पूर्वी बिहार के 25 जिलों में वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में 20 सितंबर तक बारिश संबंधी गतिविधियां हैं उसे जारी रहने की संभावना जताई गई है। अगर पटना मौसम केंद्र की बात कर ले तो शनिवार को यानी कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में झमाझम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूरे बिहार में कहीं कहीं छिटपुट पानी गिर सकता है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में ठंड का गिरने की भी चेतावनी जारी की है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिरकार उन 25 जिलों में कौन कौन से जिले हैं और कहीं उस जिले में आपका जिला भी तो नहीं शामिल है। इसमें सबसे पहला नाम आता है औरंगाबाद, दूसरा अरवल, उसके बाद रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कहीं कहीं शनिवार को आकाशीय बिजली गिर सकती है। और अगर हम कल की बात करें तो कल सुबह के दर्जन भर जिलों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया था और सबसे अधिक भागलपुर में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा सहरसा के अगवानपुर, जीरोदाई, बांका, मोतिहारी और सबौर, गया, कैमूर, रोहतास, वाल्मीकि नगर समेत अन्य जगहों पर भी अच्छी बरसात हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। खासकर वो किसान जो धन रोपनी कर चुके हैं, जिनके खेतों में धान की फसल है, उनके चेहरे पर भी अच्छी मुस्कान थी और उन्हें काफ़ी राहत भी मिली है। और आने वाले 20 सितंबर तक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी 25 जिलों में बारिश को लेकर और वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे लोग सावधान रह सके। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।